ऐसा करिए, मैं नहीं बोलता जी, बोलिए शाहनवाज। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सवाल लाल किले का किया, इन्होंने पूरी तरह से मोदी जी की यात्रा पे आ गए। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इनको मोदी जी के पर ही बोलना है। सवाल यह है कि किसानों को जब हम लोगों ने कहा, किसानों पर एक नहीं अनेक बार हमने 11 दौर की बातचीत की, लेकिन आप सपोर्ट क्या कर रहे हैं? किसान से न कभी हमें बैर था न होगा, किसानों के लिए दरवाजे खुले थे, खुले रहेंगे। लेकिन लाल किला पर चढ़ने वालों को आपने, राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट कर दिया, वीर तुम बढ़े चलो, फिर चले गए विदेश, बढ़ गए खुद। क्या कहा था? लाल किले पर बढ़े चलो। आपको कहते हैं कि आपको दुख नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर वहां पर झंडा फहराया था। देखिए प्रतीक जी, आपने कहा कि हम बीच में न बोले, लेकिन मेरे बीच में राधिका जी बोल रही है, अब या तो आप उनको राधिका, वन बाई वन। मेरा माइक बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है, मैं लगातार बोल सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पहले ट्वीट किया ना, विदेश जाने से पहले उन्होंने कहा वीर तुम बढ़े चलो, और खुद विदेश चल गए। आप ये बताइए कि आपने कहाँ कहा था लाल किला बढ़े चलो? आज लाल किला पे जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने भारत के लाल किला को अपमानित किया, मैंने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के नाते, उन्होंने जब पहली बार झंडा फहराया उस जगह पर किसी को चढ़ने का अधिकार था। कांग्रेस ने उकसा कर लोगों को भेजने का काम किया। पंजाब में पूरी सरकार लगी है कि जाओ भाई दिल्ली जाओ, सारा इंतजाम करके यहाँ भेजते हैं। इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी साजिश है, और उस दिन आप लोगों ने तय किया था कि अगर लाल किला पर इनको भेजेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गोली चलाएगी, तो आप हमारी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पैनल में आगे बढ़ता हूँ, किसान में आगे बढ़ता हूँ, कर देंगे। इन्होंने नहीं बोलने दिया ना, मेरी बात ही नहीं आई ना, बराबर का समय दीजिए शाहनवाज। मेरी बात राधिका, ऑफ कोर्स राधिका जी की आवाज, मेरा फर्ज है, बार बार मेरी बात में आती रही। ऑफ कोर्स राधिका, ये मेरा फर्ज है कि मैं बराबर बराबर बैलेंस रखूंगा बात कंटिन्यू, और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं अपना काम ढंग से नहीं करता हूँ। मैं आपको बराबर चांस दूंगा।